हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस टीचर आरती मिश्रा एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. इन द अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस द टाइप ऑफ मिक्सचर्स, देयर नेचर्स एंड विद ऑल्सो विद देयर एग्जाम्पल्स. बट इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न अबाउट द सेपरेशन. सो सेपरेशन डिपेंड भी तो करता है कि हम उसको सेपरेट करेंगे, बट देयर प्रॉपर्टीज मस्ट बी नोड ना. फिर किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट है द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, का फिजिकल स्टेट कैसा है. दूसरा है डिफरेंस इन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, डेंसिटी, वॉलेटिलिटी, सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सब्लिमेशन, डिफ्यूजन, ये सब उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो मेथड्स हम कई लेंगे, लेकिन हम उसको मिक्सचर्स को टाइप ऑफ मिक्सचर्स के अलॉन्ग से समझते जाएंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द सॉलिड सॉलिड, यानी हम किसी सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिक्स कर दें तो कैसे उसको हम सेपरेट करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न द सॉलिड सॉलिड मिक्सचर एंड ऑल्सो सम मोर स्टेट्स मिक्सचर. बट फर्स्ट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, हाउ कैन वी सेपरेट इफ अ सॉलिड इज मिक्सड विद द सॉलिड. सो पहला प्रोसेस है बाय मैकेनिकल पिकिंग और हैंड पिकिंग. ये हमारे इसको हम स्टेटमेंट को पढ़ के ही समझिए कि इसमें कुछ और नहीं है. बस हमें क्या करना है, हमें जब भी मैकेनिकल पिकिंग हम तब कर सकते हैं जब हमें दो मिक्सचर मिले और उनकी कलर और साइजेस डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हाथ से भी उठाकर सेपरेट कर सकते हैं. तो दीज मेथड्स आर नोन एज हैंड पिकिंग. सो दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स हैव डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट कलर्स. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर फिलिंग्स रेड एंड लार्जर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द आयरन फिलिंग्स बाय हैंड पिकिंग. आप उसको इजिली, कॉपर है और आयरन की फिलिंग है, उसको वो रेड कलर में होगा, आयरन उसको आप इजिली हाथ से उठा के सेपरेट कर सकते हैं. मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट का वर्क होगा. सो दिस मैथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन ऑफ द कम्पोनेंट्स इज मैग्नेटिक. इनमें से दो कम्पोनेंट अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो दो में से एक आपका क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, मैग्नेटिक कम्पोनेंट होना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, क्या होगा, आयरन फिलिंग और सैंड का आप मिक्सचर ले, यानी यू कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट. आप उसको मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं बाय विच आप एक एग्जाम्पल ड्रॉइंग के हेल्प से आप देखेंगे, उसमें ड्रॉइंग में आपको बताया गया. सो सम स्टेप्स शुड बी टेकन. पहले तो आप क्या करेंगे, स्प्रेड द मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर ओवर अ पीस ऑफ पेपर. एक पीस ऑफ पेपर पे सैंड और आयरन के पार्टिकल्स को आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही पतली सी लेयर में स्कैटर कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे. उसके बाद उसके जस्ट अबव एक पेपर और रख देंगे, प्लेस अनदर शीट ऑफ पेपर ओवर द मिक्सचर. उस मिक्सचर के जस्ट अबव एक और शीट ऑफ पेपर रख देंगे. उसके बाद एक आप स्ट्रांग हॉर्सशू मैग्नेट लेंगे और उस पेपर पे उसको इस तरीके से रखेंगे. जैसे आप रखेंगे, अ स्ट्रांग हॉर्सशू मैग्नेट इज रिपीटेडली पासिंग, आप उसको क्या करेंगे, रिपीटेडली इसके आसपास पूरा ऊपर इसके ओवर पास करेंगे. और जैसे आप पास करेंगे, अंटिल द मैग्नेट पार्टिकल्स आर रिमूव, जब तक उसके सारे पार्टिकल्स रिमूव नहीं होते तब तक आप उसको उसके ऊपर घुमाते रहेंगे. सो यू विल नोटिस आफ्टर सम टाइम दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ आयरन पीसेस आर ओवर द पेपर, पिक्ड अप द पेपर, उस पर सारे के सारे उस पर चिपक गए होंगे. सो थर्ड इज ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी सेपरेशन, इट मीन्स दिस मैथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन विच वन ऑफ द कम्पोनेंट इज मच लाइटर देन द अदर. एक दो सब्सटेंस, दो कम्पोनेंट हो गए जिसमें एक का वेट ज्यादा और एक का वेट बहुत कम, एक दूसरे से बहुत ही लाइटर लाइटर वेट्स होंगे. अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉडस्ट, सॉडस्ट मीन्स किसी का छिलका जैसे हस्क टाइप का, कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मैथड. पुट द मिक्सचर इन अ वॉटर टेकन इन अ बेकर एंड स्टर इट थ्रोली. आप उसको क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में आप सॉडस्ट और सैंड का मिक्सचर डाल देंगे और जैसे आप डालेंगे आप उसको थोड़ा स्टायर करेंगे, यानी घोल थोड़ा सा हिलाएंगे किसी चीज से. जैसे आप स्टायर कर देंगे आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए रख देंगे और उसमें यू विल चेक दैट सॉडस्ट के जितने पार्टिकल्स होंगे वो ओवर फ्लोट करते रहेंगे, और जबकि सैंड के सारे पार्टिकल्स कहाँ पे चले जाएंगे, नीचे. सो द हैवियर पार्ट कंपोनेंट सैंड सेटल डाउन वेयर इज द लाइटर कंपोनेंट सॉडस्ट फ्लोट्स ओवर इट एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड. इसको आप सैंड से किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं,
बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन. दो प्रोसेस का यूज करके फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन. फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन में क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. फिल्टर का मतलब हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं और उसको फिल्टर कर लेते हैं. तो उसमें उसके बाद डिकेंटेशन में हम धीरे धीरे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको धीरे धीरे पास करते हैं, तो जितने भी पार्टिकल सैंड के होंगे वो उसी में रह जाएंगे. तो इसी को डिकेंटेशन कहते हैं. सब्लिमेशन. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन विच वन कंपोनेंट अंडरगोज सब्लिमेशन वेयर अदर डज नॉट. सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉलिड है उसको अगर आप हीट कर देंगे तो वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली गैसीय स्टेट में. सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, जिसमें से एक कंपोनेंट आपको दो ऐसे कंपोनेंट का मिक्सचर होगा सॉलिड सॉलिड का, बट एक ऐसा उसमें कंपोनेंट होगा जो सब्लिमेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर सके. सो फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड एज गिवन बिलो. आप इस डायग्राम की हेल्प से समझिए. ये है दिस ग्लास फेनल, यहां पर इसके माउस को हमने क्या किया है, इस तरीके से रख दिया. इसके अंदर एक चाइना डिश है. चाइना ये जो वायर गॉज आपको पता है आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, ये है वायर गॉज. नीचे एक स्टैंड है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं, लेकिन इसके फोर स्टैंड है. इसको बोलते हैं गैस फनल. इसके मुंह पे क्या लगा दिया गया है, माउथ पे इसके कॉटन वूल से उसको प्लग कर दिया गया है ताकि वेपर बाहर ना जा सके. ये स्टैंड है जो इसको पूरे ऑपरेटर्स को हैंडल करके रखा हुआ. सो टेक अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड. हमने क्या लिया, एक मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट एक चाइना डिश में लिया. कवर इट विद इन्वर्टेड फनल. ये क्या है, इन्वर्टेड फनल. इन्वर्टेड उल्टा करके हमने उसको रख दिया है. इन्वर्टेड फनल को उल्टा करके रख दिया है एंड क्लोज विद कॉटन वुल. उसके माउथ को हमने किस इट्स उसके जो जहां पे ओपन लगा हुआ है उसको माउथ पे हमने कॉटन लगा के कवर कर दिया. सो द वॉल्स ऑफ द ग्लास फनल आर केप्ट कूल्ड. जब ग्लास ऑफ फनल केप्ट कूल, थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए. ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स एंड कंडेंस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द फनल. ये इसका कूलर पार्ट है, जो आपको डार्कर पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, कूलर पार्ट है इसका ग्लास का. ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स एंड कंडेंस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द फनल. जो कूलर पार्ट है वहां पर कंडेंस हो जाएगी. वेयर इज द कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. नीचे ही कॉमन सॉल्ट बचा रह जाएगा. सो द फाइन पाउडर ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट ऑन द फनल इज स्क्रैप्ड विद द हेल्प ऑफ नाइफ. आप क्या करेंगे, उस नाइफ की हेल्प से उसको निकाल देंगे. सो सिमिलरली द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड को भी आप सेपरेट कर सकते हैं. आयोडीन और सैंड के मिक्सचर को भी इसी मेथड से आप, जहां पे आयोडीन क्या होगा सब्लिमेट हो जाएगा यानी सब्लाइम हो जाएगा. वेयर इज सैंड डज नॉट गो एनी वेयर. सैंड कहीं नहीं जाएगा. सो इस तरीके से आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. तो सम सब्लिमेबल सब्सटेंसेस और भी सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आयोडीन है. ये सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब इनको हीट लगती है तो डायरेक्टली ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो इनको सब्लिमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है. आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कैम्फर सॉलिड, CO2 एंड नैप्थलीन एट रूम टेम्परेचर. दे आर दो सब्सटेंसेज विच गेट्स हीट एंड दे चेंजेस इनटू वेपर स्टेट फ्रॉम डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट. द फिफ्थ वन इज बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट एंड फिल्ट्रेशन. इस मेथड से हम कुछ एक्सट्रैक्शन करके, कुछ सुटेबल सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन करके इन प्रोसीजर से भी सेपरेट कर सकते हैं आप. जैसे देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन अ सुटेबल सॉल्वेंट सच एज वाटर. वेयर इज द अदर कंपोनेंट इज नॉट सॉल्युबल. इन दो कंपोनेंट आपको लेने हैं, एक जो वाटर में सॉल्युबल होगा और दूसरा सॉल्युबल नहीं होगा. वेयर इज द अदर इज नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सल्फर. मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. दिस मिक्सचर इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड विच डिजॉल्व सल्फर. वेयर इज चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड. द इनसॉल्युबल चारकोल इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड इज ड्राइड. फ्रॉम द फिल्ट्रेट सल्फर इज कैन बी ऑब्टेन बाय एवोपोरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस प्रोसीजर को समझने के लिए आप देख सकते हैं ये टेबल बना हुआ है. ऐसे दो सब्सटेंसेस
आपको सॉल्वेंट और सब्सटेंस को देखना है कि हम उसमें क्या मिला दें जिससे वो डिजोल्व हो। तो इसमें आपको क्या समझाया गया कि इस प्रोसेस में ऐसे कंपोनेंट्स जो दो कंपोनेंट होंगे सुटेबल सॉल्वेंट, जैसे जनरली हम वाटर सॉल्वेंट को किस फॉर्म में लेते हैं, वाटर को, वेयर इज जो अदर कंपोनेंट्स होंगे जो विच इज नॉट सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट, वो सॉल्युबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे चारकोल और सल्फर है तो सल्फर है और उनको आप सेपरेट कैसे करेंगे, द मिक्सचर इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड। ऐसे आप सब्सटेंस सॉल्वेंट लेंगे जिसमें एक सब्सटेंस डिजोल्व हो जाए और दूसरे को आप फिल्टर करके रिमूव कर सके, तो इस तरीके से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सब्सटेंसेस है और ये इनके सॉल्वेंट है, सल्फर किस में डिजोल्व हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में, यस। इस तरीके से अगर आप सल्फर लेते हैं तो अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे तो ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा, फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस भी कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाएगा। अगर हम पैराफिन वैक्स की बात करते हैं तो वो किसमें डिजोल्व होगा, टर्पेंटाइन ऑयल में। सो इन फॉलोइंग दीज कैन डिजोल्व इन दिस, अगर आप इन चीजों का यूज करते हैं तो आपको अगर उसको डिजोल्व करवाना है तो आपको इन इसके सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज करना है। जैसे नेल पॉलिश किसमें डिजोल्व होगा, एसीटोन में, ग्लू एथाइल अल्कोहल में, रस्ट ऑक्सैलिक एसिड में, नाइटर वाटर में, अदरवाइज दे आर नॉट सॉल्युबल। इफ वी टेक सल्फर एंड वाटर देन दे आर नॉट डिजोल्व। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर केयरफुली विथ सब्सटेंस विच डिजोल्व इन विथ सॉल्वेंट। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग फाइव मेथड्स। So I hope that you will understand it carefully. Thank you for watching.